का न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कारगिल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीडीएस विपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस रावत लद्दाख के द्रास के दौरे पर होंगे, तो वहीं दिल्ली में बने नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख साल 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ चले युद्ध में भारतीय जवानों के ने पड़ोसी देश को पराजित कर दिया था। ये युद्ध 60 दिनों तक चला था, जिसमें 26 जुलाई को भारतीय सेना को विजय हासिल हुई थी। मालूम हो कि कारगिल में जीत की वजह से ही जवानों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में भी बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। 26 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि भी देंगे, साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जो खुद भी कारगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, वो भी लद्दाख में कार्यक्रम स्थल पर एक बाइक रैली का नेतृत्व करेंगे। साथ ही उत्तरी कमान के तहत आने वाले सभी कोर कमांडर उनके साथ मोटरसाइकिल से सवारी करेंगे। इसके अलावा 27 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में हर साल 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजयी हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बता दें 29 जुलाई 1999 में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी कि कारगिल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना ने बताया कि सभी जगहों से घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया है और आखिर में 7 जुलाई 1999 को बटालिक में जुबार की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान ने 11 जुलाई 1999 को इसके साथ खींच भी लिए। साथ ही 5 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर एक बार फिर पाकिस्तान से कब्जा वापस हासिल कर लिया, जिसके बाद पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने उसी दिन ऐलान किया कि अब पाकिस्तान सेना हथियार डालती है। इस लड़ाई में एक बार फिर पाकिस्तान सेना को पीछे हटाते हुए 29 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर बनी दो चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये चौकियां पॉइंट 50-60 और पॉइंट 5100 पर थी और साथ ही 4 जुलाई 1999 को 11 घंटे की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर फिर से कब्जा कर लिया था। तो बता दें कारगिल दिवस में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसके बाद से ही 1999 के बाद से ही ये दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसी मौके पर इसी दिवस के उपलक्ष्य में रामनाथ कोविंद भी लद्दाख पहुंचे हुए हैं, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं दिल्ली में भी मेमोरियल वॉर पर रामनाथ कोविंद द्रास में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली में मेमोरियल वॉर पर रक्षा मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही कई दिनों तक ये युद्ध चला था, जिसके बाद 29 जुलाई को ऐलान कर दिया गया था कि अब ये पूरी तरह से युद्ध जो है खत्म हो चुका है, जिसके बाद हर साल 1999 के बाद शहीदों के लिए ये दिवस मनाया जाता है और हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस जो है वो मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम दिल्ली पहुंच रही हैं। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों की एकता की कोशिशों के तहत उनकी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोमवार शाम को हवाई अड्डे से वो सीधे अपने भतीजे लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपने ही पार्टी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वहीं मंगलवार को संसद भवन में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। साथ ही उसके बाद बुधवार को उन्होंने
भवन में ही विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रखा है। साथ ही उसी दिन उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात निश्चित है। वहीं इस दिन शाम को वो वापस कोलकाता चली जाएंगी। बता दें, पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनका पीएम मोदी से मिलने का मकसद सिर्फ हाथ जोड़कर फंड मांगने का है, वो सिर्फ पैसे के लिए पीएम मोदी से मिलने जा रही है। वहीं इस बयान पर भी टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें संघीय व्यवस्था की बेहतर समझ की जरूरत है, जिसके तहत एक सीएम हमेशा पीएम से मिल सकता है। तो बता दें, ममता बनर्जी अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचने वाली है, जहां पर वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि वो इस पद पर बने रहने के संबंध में बीजेपी आलाकमान से निर्देश मिलने का बात उचित निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में ये सारी जानकारी उन्होंने दी। रविवार को दरअसल बेंगलुरु में एक मेगा कॉन्क्लेव से इतर जब येदियुरप्पा से ये पूछा गया कि क्या दिल्ली पार्टी आलाकमान से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए निर्देश मिलने की उम्मीद है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार शाम या सोमवार सुबह तक इसके बारे में पता चल जाएगा। एक बार जब पार्टी आलाकमान से निर्देश आएगा तो मैं उचित निर्णय ले लूंगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी अन्य नेताओं पर उन्हें पूरा भरोसा है और बेंगलुरु कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ पार्टी एकजुटता व्यक्त करने के रूप में देखा जा रहा है। इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक को आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेताओं पर भरोसा है। उनकी जगह एक दलित मुख्यमंत्री के लेने के बारे में पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैं इसके बारे में फैसला करने वाला नहीं हूँ, ये फैसला आलाकमान को करना है। तो बता दें, बीते कई दिनों से येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के अटकलें जो हैं वो काफी तेज थी। ऐसे में एक बार फिर से येदियुरप्पा ने कहा है कि जो भी निर्णय आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा, मैं उस निर्णय को मानूंगा और उस निर्णय पे मैं सहमत हूंगा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान बराबर की साझेदारी रही महिलाएं जनता मंत्र पर आज किसान संसद का संचालन करेंगी। महिलाएं इस दौरान मौजूदा भारतीय कृषि व्यवस्था और आंदोलन में उनकी भूमिका के साथ कृषि कानूनों के तमाम पहलुओं पर अपनी राय भी रखेंगी। वहीं किसान संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे पर पहुंच रही हैं। साथ ही किसान संसद के 3 सत्र के दौरान महिलाएं कृषि कानून, खासकर मंडी एक्ट पर अपने विचार रखेंगी और इससे भी सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, ताकि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका वो निभा सके। साथ ही किसान संसद के 3 सत्रों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी 3 महिला प्रतिनिधियां को सौंपी जाएगी। इसी तर्ज पर 3 उपाध्यक्ष भी किसान संसद की कार्यवाही में सहभागी बनेंगी और महिला किसान संसद में 200 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगी। इनमें पंजाब की 100 जबकि अन्य राज्यों की 100 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। साथ ही इस दौरान 3 सत्रों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी महिला ही होंगी। इसी दौरान किसान संसद आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा भी की जाएगी। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी कई घटनाओं में अब तक करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं में 50 लोग से ज्यादा घायल भी हुए हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे आज सतारा, सांगली और कोल्हापुर का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। ठाकरे सतारा में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेस से बात भी कर सकते हैं। इससे पहले ठाकरे ने रविवार को भी कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में भीषण बाढ़ से ग्रस्त चिपलून का दौरा किया था। साथ ही स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोका और उन्हें इलाके में बारिश के कहर से होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया था। सांगली शहर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव चलाई जा रही है, लेकिन हर किसी को नाव नहीं मिल पा रही है और इसीलिए जरूरत पड़ने पर कमर तक पानी में डूब जाना लोगों को पड़ रहा है। वहीं सांगली में भारी बारिश के बाद शहर के कई बड़े हिस्सों में 10
10 फुट तक पानी भरा है और एक मंजिला मकान पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पानी के बीच फंसे हजारों लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद सांगली की लाइफलाइन कही जाने वाले कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और फिर पानी गाँवों और शहरों में दाखिल हो गया, जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 लागू किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए अब राजधानी को और ज्यादा छूट के साथ खोला जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस बार सिनेमाघरों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही पिछले अनलॉक 7 में दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को एजुकेशनल गैदरिंग के लिए खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इस बार की गाइडलाइंस में स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी कोई नई छूट नहीं दी गई है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में फिजिकल प्रेजेंस की अनुमति जारी रहेगी, लेकिन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस जो हैं अभी भी शुरू नहीं की जाएंगी। वहीं अनलॉक 8 में गाइडलाइंस के तहत सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली मेट्रो को भी 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत भी दे दी है। साथ ही इसके अलावा डीटीसी की बसें भी पूरी पैसेंजर क्षमता के साथ चल सकेंगी। वहीं शादी समारोह में भी 50 लोगों की गिनती को बढ़ाकर अब 100 कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की गिरती दर को देखते हुए आज से पंजाब में भी 10वीं से 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल में वही शिक्षक प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने टीके की दोनों खुराकें लगवा ली हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए स्कूल में प्रवेश के लिए माता पिता की स्वीकृति की भी जरूरी होगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। 20 जुलाई को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अनलॉक को लेकर पहले चरण में 21 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी थी। साथ ही सरकार ने स्कूल में लगने वाली ऑफलाइन कक्षाओं का भी फैसला अभी भी माता पिता या फिर अभिभावकों पर ही छोड़ दिया है। उनकी सहमति के बाद ही विद्यार्थी स्कूल आ सकते हैं और जो छात्र स्कूल नहीं आ सकते उनकी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी और साथ ही यदि हालात बेहतर रहे तो 2 अगस्त से बाकी कक्षाओं को भी खोलने की स्वीकृति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि आने वाले दिनों में संक्रमण में और गिरावट आएगी। दिल्ली में बीते शनिवार से उमस की वजह से लोगों का बुरा हाल बना हुआ है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज यानी कि सोमवार से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज से झमाझम बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ये दौर 3 दिन तक चलने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही IMD के अनुसार दिल्ली में तेज बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बता दें कि दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं स्काई मेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पहलावत की माने तो सोमवार से बुधवार तक दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की है। दरअसल भारत की सीए भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए ट्यूनिशिया की नादिया बेन अजीज के खिलाफ तलवारबाजी का मुकाबला जीत लिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में तलवारबाजी का मैच जीतने वाली भवानी देवी भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। 29वीं वीरता प्राप्त भवानी देवी ने इस महिला सेबर व्यक्तिगत टेबल ऑफ 64 मैच में 15-3 के अंतर से एक तरफा जीत हासिल की है। 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भवानी देवी ने नादिया पर शुरुआत से ही इस मैच में दबदबा बनाए रखा और मैच का पहला राउंड आसानी से 8-0 से जीत लिया। 27 वर्षीय भवानी देवी ने दूसरे राउंड में भी
ट्यूनिशिया की खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और 7-3 के अंतर से ये राउंड और मैच अपने नाम कर लिया। उन्होंने केवल 6 मिनट में ही ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और अब अगले दौर टेबल ऑफ 32 में उनका मुकाबला आज चौथी वीरता प्राप्त फ्रांस की मेनॉन ब्रूनेट से होगा। भवानी देवी ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही हावी रहीं। उन्होंने नादिया को इस मैच में एक भी मौका नहीं दिया। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन यानी कि आईपीएल 2021 एक बार फिर से शुरू होने वाला है। दरअसल आईपीएल 2021 के बायो बबल में कोरोना की एंट्री होने की वजह से इस लीग को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन अब 19 सितंबर से एक बार फिर ये लीग शुरू होने जा रही है। दरअसल आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 14वें सीजन के बचे हुए 31 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे। वहीं सावन के महीने के पहले दिन यहां बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा भी की गई। कल सावन का महीना कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन सावन का पवित्र महीना 22 अगस्त तक भी चलता रहेगा। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान शिव को ये महीना खास तौर से पसंद है। मान्यता है कि चतुर्मास के समय जब भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं तो सृष्टि संचालन का कार्यभार महादेव रुद्रदेव पर आ जाता है। और इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे और पहला सोमवार 26 जुलाई आज से शुरू हो गया है और दूसरा सोमवार 2 अगस्त जबकि तीसरा सोमवार 9 अगस्त और चौथा और आखिरी सोमवार का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड के बहादुराबाद में विधानसभा ज्वालापुर के एक निजी बैंकेट हॉल में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और संचालन चंदन सिंह चौहान ने किया। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील चौहान, विधायक सुरेश राठौर और मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के मंत्र भी दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने महज कुछ ही दिन में इतना काम कर दिया कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। वहीं उत्तराखंड के लालकुआ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री बीना जोशी ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुझे प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं और जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे मैं पूरा करूंगी और कांग्रेस की नीति रीति को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करूंगी। उन्होंने प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के अलावा सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी जताया है। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का और अपनी लालकुआ विधानसभा के समस्त कांग्रेस जनों का हार्दिक धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। आज मुझे इतना बड़ा दायित्व तो मिला है तो कहीं ना कहीं मेरे लालकुआ विधानसभा के कांग्रेस जनों का भी मेरे ऊपर मुझे बहुत सहयोग मिला। उन सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया है मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगी और पूर्ण विश्वास दिलाना चाहती हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि जिस तरीके से आपने मुझे दायित्व सौंपा है तो 2022 हमारा नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं और इस 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस
उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहती हूँ और जो दायित्व तो मुझे दिया गया है मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगी और कांग्रेस की जितनी भी हमारी विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों से खस्ताहाल पड़ी सड़क के क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका की ओर से किए गए शिलान्यास पर राजनीति अब तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने क्षेत्रीय विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि बीते 4.5 साल में विधायक जी को क्षेत्र की याद नहीं आई, उनकी ओर से सिर्फ शिलान्यास किए जा रहे हैं। उन्होंने विधायक की तरफ से किए गए सड़क के शिलान्यास को चुनावी जुमला भी बताया। साथ ही अपने आवास पर कांग्रेस SC विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने बागवाला क्षेत्र की 5 सालों से खस्ताहाल पड़ी सड़क पर विधायक को घेरते हुए कहा कि बागजा वाली वालसी सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे और उन्होंने कहा कि यहां सड़क लगभग आधा दर्जन गांवों की लाइफलाइन मानी जाती है जो पिछले 5 साल से खस्ताहाल पड़ी हुई है। सड़क 4 साल हो गए हैं, चुनाव नजदीक है और आज ये विधायक जी हमारे जागे हुए हैं और जो लगातार 4.5 सालों से मांग करते आए ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, जो आने जाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी, बहुत बड़े गड्ढे हो चुके थे, आए दिन जो हादसा हो रहा था, एक्सीडेंट हो रहे थे, लोग गिरते चोट फोट लगते जा रही थी और जो आज इन लोगों ने जो शिलान्यास करा, मैं चाहता हूँ कि रोड बने और चुनावी जुमला ना रहे। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री और विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति और धर्म सब मंत्री विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 9,27,000 की लागत से सुकुई के तहत पाइपलाइन के विस्तारीकरण की योजना का शिलान्यास किया। लोकार्पण, शिलान्यास और कई विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान चौबट्टा खाल विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग और अधिकारियों को कई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के समय अधिग्रहित की गई लोगों की जमीन के सालों से निलंबित मुआवजे के जल्द ही भुगतान के निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी के टिपरी इलाके में सड़क बनाने की कवायद में गरीब अनुसूचित विधवा महिला के घर को ग्राम प्रधान ने खुद ही उजाड़ दिया। हद तो तब हो गई जब प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और ना ही संवैधानिक रूप से नोटिस की प्रक्रिया का पालन किया गया। बता दें, इस गांव में अनुसूचित जाति के परिवार कई दशकों से गांव के किनारे इस जमीन पर अपने घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं रिपोर्ट दर्ज हुए हफ्ता भर हो गया है लेकिन गरीब विधवा दलित महिला का घर उजाड़ने वाला ग्राम प्रधान के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के इलाके में साथ में हम लोग इनका भीम आर्मी वालों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी लेकिन 24 घंटे से ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और भीम आर्मी और हम सबका एक ही मुद्दा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चले। यह तो 10 जून की घटना है और सारे गांव के आए हमारे घर पे और उन्होंने हमारे मकान को सावल से और गैंती से तोड़ दिया। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला रद्द किए जाने के बाद सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिले के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस कप्तान ने ड्यूटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं SSP सेंथिल अबुदाई कृष्ण राज ने बताया कि बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हर की पौड़ी पर PAC लगाई गई है। उसके अलावा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मिलाकर 900 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें जो है कांवड़ मेला को लेकर हमारा शासन द्वारा जो है कांवड़ मेला प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। अभी इसे जो है हम सख्ती से लागू करेंगे। अभी जो है
हमने सीमावर्ती राज्य एवं जनपदों से अलग अलग से मीटिंग करके सबको सहमति भी प्राप्त कर ली। यूपी में भी कांवड़ मेला का स्थगित होने के कारण जो है वो भी पूरा कोऑपरेशन के लिए हमें आश्वासन दिया है। अभी जो है बॉर्डर में 24 घंटे जो है हम ड्यूटी लगाएंगे और हर की पैड़ी में भी हमने लगातार ड्यूटी लगाई ताकि हर की पैड़ी का एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और बॉर्डर में जो भी। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।